नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी घमासान तेज होते जा रहा है। आलम यह है कि एक ही जिले में एक ही दिन बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दलों के बड़े आयोजन हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट और आगे इसी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर दुर्ग जिले की भिलाई आ रही हैं। वे यहां आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी, जहां 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाने की तैयारी चल रही है। वहीं उसी दिन दुर्ग जिले के पाटन में भाजपा की परिवर्तन यात्रा रहेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। बता दें कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा 20 और 21 सितंबर को दुर्ग जिले में रहेगी। 20 सितंबर को बेमित्रा से जिले में परिवर्तन यात्रा प्रवेश करेगी। पहले दिन साजा विधानसभा के धमदा न अहिरवारा के जामुल के अलावा वैशाली नगर के छावनी में भ्रमण के बाद जनसभा होगी। भिलाई में विश्राम के बाद 21 को परिवर्तन यात्रा पहले दुर्ग और बाद में पाटन विधानसभा पहुंचेंगी। पाटन में जनसभा को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी। फिलहाल दुर्ग जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, अहिवारा, साजा, भिलाई नगर, वैशाली नगर और पाटन शामिल हैं। इनमें से केवल वैशाली नगर सीट पर बीजेपी ने पिछला चुनाव में जीत हासिल की थी, बाकी सभी 6 सीट कांग्रेस ने फतह किया था। मौजूदा सरकार में दुर्ग जिला काफी अहम है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल समेत 4 मंत्री इसी जिले से हैं। इनमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार शामिल हैं। इसलिए दुर्ग जिले पर फतह हासिल करने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत दुर्ग सांसद विजय बघेल को सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर करती है। भिलाई में प्रियंका गांधी की सभा के दिन पाटन में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, परिवर्तन यात्रा हस्त देखा है ना, न उसमें अमित शाह पहुंचे, न स्मृति ईरानी पहुंच पाई। उनकी जो यात्राएं चल रही है उनमें कोई बड़े नेता नहीं आ रहे हैं। प्रियंका जी आ रही हैं, भिलाई में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। अब परिवर्तन यात्रा हस्त तो आपने देखा है कि न उसमें अमित शाह जी पहुंचे, न स्मृति ईरानी जी पहुंच पाए, और वैसी जो उनकी यात्राएं चल रही है उसमें कोई बड़े नेता आ नहीं पा रहे हैं। कभी अभी हेमंत विश्व शर्मा आज आने की खबर है, कल सामंत जी के आने की खबर थी, तो बहुत ही ढीला ढाला उनका चल रहा है। लेकिन 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं और महिलाओं के लिए बड़ा, महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि एक तरफ भाजपा महिला और बहनों के लिए आरक्षण प्रस्ताव पास कर रही है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए, जब रायपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तब उनके पीए ने कांग्रेस में काम करने वाली एक कार्यकर्ता बहन के साथ छेड़खानी की थी, तब अपने प्रदेश में उन्होंने FIR दर्ज कराया था, उनके साथ न्याय क्यों नहीं किया, इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह बहुत से जिम्मेदारियों में रहते हैं, अनायास जिम्मेदारी आने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद भी हमारे नेता लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। पीएम मोदी के सभा में मूसलाधार बारिश के बीच लोग पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पास कर रही है, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा जी आ रही हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि जब रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तो उनके पीए ने कांग्रेस में ही काम करने वाली एक बहन के साथ छेड़खानी की थी और उसने जाकर के अपने प्रदेश में FIR दर्ज कराया था, उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया, प्रियंका वाड्रा जी को इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अमित शाह जी बहुत सारे जिम्मेदारियों में रहते हैं और अनायास जिम्मेदारी आने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई थी, और उसके बाद भी हमारे नेता लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। बहरहाल दुर्ग जिले के 7 विधानसभा सीटें हाई प्रोफाइल हैं। इन सीटों पर फोकस करते हुए कांग्रेस जहां महिला समृद्धि सम्मेलन कर रही है, वहीं बीजेपी चुनाव परिवर्तन यात्रा चला रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इन सम्मेलनों और परिवर्तन यात्राओं का कितना असर दुर्ग किले पर पड़ता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं, बीजेपी नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सुंदरानी जी से है। सुंदरानी जी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा हर्ष देखा है, न उसमें अमित शाह पहुंचे, न स्मृति ईरानी पहुंची, कोई भी जो बड़े नेता है वो नहीं आ पा रहे हैं। कविता जी, जिस प्रकार भूपेश बघेल जी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मदमस्त हाथी पे सवार हो गए। उनको परिवर्तन की हवा बह रही पूरे प्रदेश में जी, वो दिख नहीं रही उनको, और कहीं ना कहीं वो बहुत अंडर एस्टिमेट से आंक रहे हैं। अमित शाह जी नहीं आए, वो परिस्थितियां, कभी कभी वो देश के गृह मंत्री है, अचानक राष्ट्र से जुड़े मामले उनके पास आते हैं, और अचानक अगर उनका कार्यक्रम रद्द हुआ तो कोई इसलिए रद्द नहीं हुआ कि वो छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहते थे। उसके बाद नड्डा जी आए, उसकी बात तो नहीं कर रहे भूपेश बघेल जी, जी या स्मृति ईरानी जी आ रही, और अभी दुर्ग जिले में ही उनके लिए चुनौती खड़ी हो गई है। 7 सीटें दुर्ग जिले में, 6 कांग्रेस के पास है, 1 भाजपा के पास है। कविता जी, आप निश्चित मानिए, जिस प्रकार से हमने दुर्ग जिले को टारगेट किया है, उल्टा रिजल्ट आएगा, 6 हमारी आएगी, 1 कांग्रेस की आएगी। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है, परिवर्तन की एक लहर चल रही है। इस लहर को भी भूपेश बघेल महसूस कर रहे हैं, खुद पाटन से असहज महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव के आते आते वो 2 सीट से चुनाव लड़े, ये उनके सामने परिस्थितियां निर्मित हो जाए। जिस प्रकार से उनके विधायक नोटों के बंडल के साथ वीडियो के कैमरे में कैद हो रहे हैं, कमीशन के पैसे लेन देन में विधायक कैद हो रहे हैं, दलाली में उनके लोग इन्वॉल्व हैं, एक विधायक ईओडब्ल्यू में मामला हो गया, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, तो लगातार तो इनके विधायक घेरे में आते न जा रहे। पता नहीं चुनाव आते आते कितने विधायक इनके भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो जाएंगे। जी सुरेंद्र वर्मा जी, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ जो है वो परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं। उन्होंने भविष्यवाणी भी की है कि सीट जीत रहे हैं वो दुर्ग जिले से। कविता जी, भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह से झूठे वादे और फर्जी दावे जो है उसका परिणाम है कि पिछले दिनों 5 उपचुनाव हुए विधानसभा के, 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा 2018 में 15 सीट जीती थी, जो वर्तमान में 13 विधायक कुल बचे हैं। कांग्रेस को 68 सीट मिला था, 3 उपचुनाव, 5 उपचुनाव हुए, उसके बाद 71 सीट पे कांग्रेस है। और महिला सम्मान की, महिला समृद्धि की तो ये खाली बात करते हैं, भूपेश सरकार ने करके दिखाया है। जिस प्रकार से प्रियंका जी के आगमन पे महिला समृद्धि सम्मेलन है, उसमें हितग्राहियों को बुलाया गया है, जो छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि की दिशा में महिलाओं का योगदान जो हुआ है, जो भूपेश सरकार की जो उपलब्धि है, आंगनबाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, रसोइयों के वेतन जो मानदेय हैं कविता जी, लगभग दुगुने हो गए हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि जो है वो 25,000 से बढ़ा के सीधे 50,000 की गई है, जिस प्रकार से महिला समूहों का 12,17,00,000 रुपए से ज्यादा, 70,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि ऋण माफी का फायदा मिला है, गोठानों के माध्यम से 85,000 से ज्यादा हमारी महिला बहनें जो हैं वो गोठानों में आजीविका कमा रही है, 50,000 से ज्यादा महिला बहनें वनोपज के प्रसंस्करण में लगी हैं, 2,54,000 से ज्यादा महिला स्व सहायता समूहों में, 27,00,000 से ज्यादा महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। अभी कह रहे थे अमित शाह जी नहीं आए, कई भाजपाई बहाना बनाते हैं कि वो बारिश के कारण से नहीं आया, बारिश का कारण जो है स्मृति ईरानी जी के लिए नहीं था, और वो आने के बाद भी जगदलपुर तक गई और 50 किलोमीटर दंतेवाड़ा जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ये मान चुका है कि छत्तीसगढ़ में इनके परिवर्तन के नारे के समर्थन में यहाँ की जनता बिल्कुल नहीं है, और इसी तरह से लगातार ये देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाने से नहीं चूकते। रायपुर में सभा हुई थी साइंस कॉलेज में, प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ बुलवाया गया कि धान खरीदी भाजपा करती है, केंद्र की सरकार करती है, जबकि 15 साल रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मार्कफेड राज्य सरकार की एजेंसी है जिसके माध्यम से लोन लेके राशि की व्यवस्था की जाती है। उसी तरह से रायगढ़ में जिस प्रकार से झूठ बोला गया, जो G20 का सम्मेलन कल था और आज है, उसकी बधाई 14 तारीख को दे चुके हैं, प्रधानमंत्री जी आपने बहुत अच्छा आवभगत किया, छत्तीसगढ़िया व्यंजन खिलाए, तो
तो ये फर्जीवाड़े से छत्तीसगढ़ की जनता विदित है और ओपी चौधरी जी किस अपराध की बात करते हैं। ओपी गुप्ता जैसे नाबालिग के बलात्कार के आरोपी को रमन सिंह ने ओएसडी बना के रखा था, 2014 से 18 तक एफआईआर तक नहीं लिखे गए। 27,000 से ज्यादा बहन बेटियां छत्तीसगढ़ से रमन राज में गायब हुई, विधानसभा में सवाल पूछा गया तो इनके मुंह में दही जम गया था। और जब कांग्रेस की सरकार आई, जब कार्रवाई हुई, तो गंगा पांडे जैसे भाजपा नेत्री संलिप्त पाई गई। हाल ही में जिस प्रकार से मंदिर रसोद मंडल के उपाध्यक्ष का पुत्र संलिप्त पाया गया नाबालिग से, दो बहनों से बलात्कार के आरोप में, नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष है, उनके पुत्र को बचाने पूरे भाजपा ही लोग जुटे थे आपके पास, तो ये तो इनका चरित्र है। ठीक है, अनिरुद्ध दुबे जी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध दुबे जी, एक तरफ भिलाई की बात करें तो महिला समृद्धि सम्मेलन जहां प्रियंका गांधी जी आ रही है, दूसरी तरफ पाटन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आ रही है, किस तरह के दोनों दिग्गज जो नेत्री हैं उनकी टक्कर है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अभी विधानसभा में कितनी क्या सीटें हैं इसका सुरेंद्र वर्मा जी ने उल्लेख किया जी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो है 13 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा आम चुनाव में महिला उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 10 जो है प्रत्याशी जीती थी, 3 पराजित हुई थी। उसके बाद उपचुनाव हुए तो दंतेवाड़ा, खैरागढ़ और भानुप्रतापपुर में वहां पे महिला प्रत्याशी जीती कांग्रेस की। तो आज जो है कांग्रेस की जो है 13 विधायक हैं विधानसभा में। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी केवल एक महिला विधायक हैं 13 में, रंजना दीपेंद्र साहू धमतरी से, वो भी पूरे प्रदेश में सबसे कम मत से जीतकर वो आई थी, करीब ये 450 मत के आसपास। तो ये एक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से महिला वोटर एक तो चिंता का विषय हो सकते हैं और चिंता करनी भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में देखिए पुरुष और महिला मतदाताओं का जो है बहुत कम अंतर है। पिछले जो विधानसभा चुनाव में 2018 में जो हुआ था तो उसमें 77.5 लाख करीब पुरुष मतदाता थे और 76.5 लाख करीब जो है महिला मतदाता थी। अब माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 90 लाख से ऊपर हो चुकी है और कांग्रेस की इस पे बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। यही कारण है कि समृद्धि सम्मेलन के नाम से बहुत बड़ा आयोजन जो है भिलाई में होने जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। और दूसरी बात जो है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो स्मृति ईरानी जी का आना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि वो तो पिछली भी परिवर्तन यात्रा में बस्तर में वो शामिल होने वाली थी दंतेवाड़ा में, लेकिन हो यह गया कि उस दिन मौसम खराब होने के कारण अमित शाह जी आ नहीं पाए, उनके कारण जो है स्मृति ईरानी जी आए। लेकिन उनका माना जाता है कि प्लेन लैंड करने में थोड़ा सा समय लगा और अगर कहीं और इंतजार होता तो जो भीड़ थी या जो लोग सुनने आए थे वहां पे परिवर्तन यात्रा में वो चले जाते, तो फिर उनके बिना ही परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकली। और हम बात करें तो ये निश्चित रूप से जो है साझा और अन्य स्थानों पर हो सकता है स्मृति ईरानी जी की सभा हो। तो दुर्ग डिवीजन की मैं बात करता हूँ, वहां से 5 मंत्री निकलते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी समेत गुरु रुद्र कुमार जी, रविन्द्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी और अनिला भेड़िया जी। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो है दिलो दिमाग में जो है दुर्ग जो है अभी से है, दुर्ग के किले को भेदने की इच्छा जो है इनकी बहुत पहले से, और अभी बीच में अमित शाह जी का भी जो है वो डिवीजन में आना हुआ था और आके वो सभा करके गए। कुल मिला के दुर्ग एक बहुत बड़ा टारगेट है। महिला वोटरों का जो टारगेट जो है इधर आपका जो है कांग्रेस का है, तो दुर्ग का किले का ढहाने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है जी। बिल्कुल सुंदरानी जी, यदि बात की जाए तो वैशाली नगर को छोड़कर जो 6 सीट है दुर्ग जिले की, वो कांग्रेस के पास है, कितनी बड़ी चुनौती है ये बीजेपी के लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं कविता जी, बिल्कुल मैं इसको चुनौती नहीं मानता, न भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आप सुंदरानी जी। आप देखिएगा दुर्ग जिले की, मैंने कहा कविता जी कि अभी हमारे पास 1 सीट है, 6 कांग्रेस के पास है, उलट रिजल्ट आएगा, 6 हमारे पास होगी, 1 कांग्रेस के पास होगी, निश्चित मानिए। स्वयं भूपेश बघेल जी तकलीफ महसूस करेंगे और क्षेत्र बदलने के लिए मजबूर होंगे, जिस प्रकार से विजय बघेल जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देखिएगा दुर्ग शहर हम जीतेंगे, दुर्ग ग्रामीण हम जीतेंगे, वैशाली नगर जीतेंगे, भिलाई नगर जीतेंगे और पाटन और साझा भी जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम 7 में से 6 सीटें हम जीतने में सफल होंगे। सुरेंद्र जी,
ये कांग्रेस मुगालते में रहे कविता जी, कांग्रेस को मुगालते में रहना भी चाहिए। मुगालते में होंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इन्होंने पिछली बार जो एक्सीडेंटल सरकार बनाई ना, झूठे वादे झूठे प्रलोभन देकर 36 वादे किए, 36 वादे में कोई वादा पूरा नहीं हुआ, 6 वादे नहीं गिना पाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई सुरेंद्र जी। आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने जा रही है। जी कविता जी, जी मुगालते में है, फुल कॉन्फिडेंस से पार्टी के नेताओं का फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं सुंदरानी जी, पूरे आत्मविश्वास के साथ है, पूरा आत्मविश्वास के साथ मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई मुकाबला नहीं है, फर्जी दावे जुमलेबाजी झूठे वादे में इनको महारत हासिल है। आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। अमित शाह जी की सभा हुई थी सरायपाली में, क्या 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 हसर हुआ उसका, पेशी हो गई थी अरुण साहू की, वो पहली बार नहीं है, उसके पहले भी ऑडिटोरियम जिसकी क्षमता 1200-1300 है वो आधा तक नहीं भरा था। जब ये झूठे आरोप पत्र जारी करने अमित शाह जी आए, गाड़ी में 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा, तब जाके आधी भीड़ आ पाई। तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से झूठे आरोप लगा के झूठे तथ्य गढ़ के, तो 15 साल इनके कुशासन को भी भोगा है। स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, आए उनसे तो छत्तीसगढ़ की जनता पूछेगी, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, 3000 दिन से ज्यादा हो गए, कब होगा? 410 का सिलेंडर महंगा लगता था, 1100 के पार है, उसमें 4 गुना बढ़ा के 200 रुपए कम करना, ये कौन सा एहसान है देश की जनता पे? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार धान खरीदी से लेकर तमाम विषयों पर ये गलत बयानी करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की बहनें तो पूछेंगी, 15 साल जब सरकार में थे 2003 में रमन सिंह का वादा था हर गांव में एक महिला एक पुरुष को ग्राम प्रहरी बनाएंगे, कितनी महिलाओं को बनाया? एक तरफ शराब के ठेकेदारों को प्रोत्साहित करके शराब का सरकारीकरण करके गली गली में हुक्का बार खुलवा के गली गली में नक्सली नशीली गोलियों का दुकान में बनवाने वाले, एक तरफ दूसरी तरफ महिलाओं को गुलाबी गैंग बना के खड़ा कराते थे। तो इनके कुशासन को भी भोगा है कविता जी छत्तीसगढ़ की बहनों ने, अब इन पर भरोसा नहीं करेंगे। सुंदरानी जी छोटा जवाब दीजिएगा, अनिरुद्ध जी के पास चलेंगे, छोटा जवाब। देखिए शराब की बात करते हैं, वही नीति पे चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नीति बनाई थी शराब की, वही का वही 4.5 साल उसी पे ये सरकार काम कर रही है। नशे का कारोबार बढ़ा है, हत्याओं का दौर चल रहा है भिलाई में, भिलाई मुख्यमंत्री के, देखिए मुझे बोलने दे, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात पूरी करने दे, मैं एक शब्द आपके बीच में, आपने बहुत झूठ बोला लेकिन मैंने एक शब्द आपका नहीं काटा जी। सुंदरानी जी देखिए निश्चित रूप से आज बिगड़ती कानून व्यवस्था, भिलाई में 2 ब्लाइंड मर्डर, एक बहन राखी बांधने अपने भाई को जाती है, 8-9 लोग मिलकर उसके साथ, ठीक है। अनिरुद्ध दुबे जी के पास चलेंगे, अनिरुद्ध जी दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फुल कॉन्फिडेंस से जीत की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है कि दोनों के पास अपने दीर्घ अनुभव हैं। सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बल्कि जब भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक में बनी थी तब के नेता हैं, और सुरेंद्र वर्मा जी जो है मतलब वकालत के पेशे से जुड़े हैं और प्रवक्ता बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, तो दोनों के अपने अपने तर्क और तथ्यों में मुझे बिल्कुल दम नजर आता है। लेकिन इससे परे जो है मैं तो जो दोनों जो है नेत्रियां आ रही हैं बड़ी नेत्रियां, मैं उस हिसाब से सोच रहा हूं, तो निश्चित रूप से देखिए पहले बड़े नेताओं की सभाएं होती थी तो उसका कोई शीर्षक या टाइटल नहीं होता था जी। लेकिन अभी जो हो रहा है तो कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन, समृद्धि सम्मेलन, मतलब ये कि लोगों के दिमाग में चीजें बैठे, तो मतलब राजनीति करती हैं अच्छा पार्टियां, परिवर्तन यात्रा, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और शब्द भी बड़े दिमाग लगा के चयनित किए जाते हैं। क्या है कि तोड़ कैसे निकले भारत जोड़ो यात्रा, फिर रही बात प्रियंका जी की, भारत को तोड़ने वाले लोग, प्रियंका जी आज निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है। अब प्रियंका जी के सामने अगर कहीं कोई बड़ा चेहरा देखें तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा तो आज राष्ट्रीय स्तर पर स्मृति ईरानी है, क्योंकि राहुल गांधी जैसी शख्सियत को उन्होंने यूपी में लोकसभा चुनाव में हराया था और आक्रामक रूप जो है वो उनका सदन में लोकसभा में दिखता ही रहा है। इतना बड़ा जो सम्मेलन हो रहा है निश्चित रूप जी, मेरा एक सवाल है अनिरुद्ध जी, तो क्या राहुल गांधी को हटाने के बाद स्मृति ईरानी के बड़े कद का लाभ देना चाह रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में जो पाटन में आ रही है? निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी नेतृत्व बहुत पहले की है और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मैं मिला भी हूँ, लेकिन जहां तक मैं उनके जो बढ़े हुए स्वरूप को देखा
तो उनकी लोकप्रियता जो है राहुल गांधी जी को पराजित होने के करने के बाद बहुत विस्तृत रूप में सामने आई, मतलब बहुत बड़ा फिगर बन गई वो कि गांधी परिवार के किसी शख्स को उन्होंने हराया। और दूसरा वो है कि देखिए क्या मसला सही था गलत, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो लोकसभा में जिस आक्रामक रूप से सामने आई थी और चैनलों में जो उसका प्रसारण हुआ था, तो लोगों के और दिलो दिमाग में वो चेहरा कहीं ना कहीं बैठ गया और उसको जो भारतीय जनता पार्टी अब उस चेहरे को बखूबी इस्तेमाल कर रही है। तो क्या प्रियंका का जवाब बनेगी स्मृति ईरानी? जी मैं से पूछ रही हैं जी, अनिरुद्ध जी आपसे। जी देखिए प्रियंका जी का जवाब स्मृति ईरानी, देखिए अब वैसे अगर कहीं आप देखें तो एक दोनों का अपना अपना जो है क्या कहना चाहिए बैकग्राउंड है। जी प्रियंका गांधी जी तो बचपन से वही देखते आ रही हैं और दूसरी बात उन्होंने तो अपनी दादी को भी देखा है, पिता की बात तो बहुत दूर है। तो ये है और देखिए क्या है कि विलंब हुआ, बल्कि प्रियंका गांधी जी को राजनीति में सक्रिय करने में गांधी परिवार की ओर से देर हुई, लेकिन ये जो है उनको संवारा, जो उन्होंने मतलब मैंने ट्रेंड किया स्मृति ईरानी को, वो भारतीय जनता पार्टी उसपे ज्यादा सफल हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है 2008 के चुनाव में यहाँ पे मैंने स्मृति ईरानी जी को देखा था एक्टिव होते हुए, मतलब कितने पहले समय हो गई थी। तो दोनों के अपने अपने जो है अपना अपना व्यक्तित्व है और दोनों को आप कहीं किसी भी एंगल से कम नहीं आ सकते। जी बिल्कुल श्री चंद सुंदरानी जी, सुंदरानी जी 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 क्या कुछ निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का कोई मुकाबला नहीं है स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, लंबे समय से राजनीति कर रही है, अमेठी में राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव हराया है, कहीं नहीं ठहर पाएगी प्रियंका जी उनके सामने। अगर स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ आ रही तो आप सिर्फ पाटन की बात नहीं, वो पूरे छत्तीसगढ़ की फिजा बदलने की क्षमता रखती है। जी सुरेंद्र वर्मा जी जवाब दीजिए। कविता जी कहीं कोई मुकाबले की बात नहीं है। प्रियंका जी उस शहीद परिवार से आती है जिसने, जिस परिवार ने दो दो शहादत दी है, जिसके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, और दूसरी तरफ प्रियंका जो स्मृति जी हैं प्रायोजित इवेंट के तहत उतारा गया है। कथनी और करनी का अंतर भी, जो 10 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ने से सड़क पर निकल जाती थी सिलेंडर में बैठ के, जो प्याज का माला पहनती है, आज महंगाई 4 गुना बढ़ने के बाद भी इनके मुंह में दही जम गया, मतलब है। कि सुरेंद्र वर्मा जी आप ये कहना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जी जनता समझती है, सुरेंद्र जी स्मृति ईरानी का आने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका जी, उसकी स्वीकार्यता जो है कार्यकर्ताओं के बीच में जो है, जो उत्साह उनके आने से आता है, पहली बार नहीं है, भरोसे का पहला सम्मेलन जनता को हुआ था, लाखों कार्यकर्ताओं में जोश भर के गई। सुरेंद्र जी कांग्रेस के वोटर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, से कांग्रेस को ही फायदा है। कविता जी स्मृति जी के आने से कांग्रेस को लाभ है, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, हमारी बहन बेटियां पूछेगी कि 410 का सिलेंडर महंगा होता था और आज 1100 के पार है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो सरसों का तेल 70 रुपए की लीटर था, 2200 से पार है, उसके जिम्मेदार कौन है? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, मिलना था 9.5 साल में 19 करोड़ रोजगार, लेकिन 23 करोड़ लोगों की लगी नौकरी खा गए। स्मृति ईरानी के आने से कांग्रेस को ही लाभ है बता रहे हैं, ईरानी जी कांग्रेस को ही लाभ है बता रहे हैं। जी से भी पूछा जाएगा 2000 करोड़ रुपए शराब घोटाले का कहां गया, वो दिल्ली गया कि आपके यूपी गया, काल्पनिक 600 करोड़ रुपए के चावल के घोटाले का पूछेंगे, 15 साल घोटाले का पूछेंगे, 12-13 और 14 में रमन सिंह और तो कोयले के घोटाले का पूछेंगे। आज पूरे भ्रष्टाचार का आलम है, पूरे प्रदेश में बिगड़ती महिलाएं लूट रही है, महिलाएं लूटी जा रही है, महिलाओं के इज्जत लूटी जा रही है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ एक शालीन प्रदेश। वर्मा जी रुक जाइए, वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी गढ़ बना दिया है, सुरेंद्र वर्मा जी घोटाला, सुरेंद्र वर्मा जी पनामा डीके, सुरेंद्र वर्मा जी सहकारी बैंक में उमेश सिंह, सुंदरानी जी वर्मा जी ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के आने से कांग्रेस को फायदा है, लाभ मिलेगा। देखिए हम तो कह रहे हैं प्रियंका जी के आने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जवाब तो देना होगा, तो दोनों जी को शराब घोटाले के 2000 करोड़ कहाँ गए, जवाब तो देना पड़ेगा, 600 करोड़ रुपए का चावल घोटाला कहाँ हुआ, लास्ट कमेंट दोनों ही दिल्ली के कांग्रेस पार्टी अनिरुद्ध दुबे जी, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक दूसरे की जो नेत्री आ रही है, दोनों पार्टी को लाभ होगा।
देखिए कविता जी, कुल मिला के देखिए मैं आपको आंकड़े गिना रहा हूँ कि कहाँ जो है मतलब 76.5 लाख जो है मतदाता थी महिलाएं, और जो बढ़ के 90 लाख से ऊपर हो गई छत्तीसगढ़ में। पुरुषों से और महिलाओं का जो है दोनों मतदाताओं की संख्या बराबर है, मतलब महिला वोटरों को साधना जो बहुत बड़ी बात होती है, और पुरुषों से ज्यादा जो है वोटिंग वोट करने में महिलाएं आगे रहती है, तो दोनों के लिए साधना बहुत चैलेंज है महिला मतदाताओं को। तो अपने स्तर पे दोनों की रणनीति जो है मुझे कहीं मतलब फर्क नजर नहीं आता, और चाहे प्रियंका जी का मामला हो, चाहे स्मृति ईरानी जी का जो है उनकी जो सभा होने जा रही हो, तो कुल मिला के जो है दोनों जो है फूक फूक कर कदम चल रहे हैं महिला मतदाताओं को टारगेट करके। जी चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, सुंदरानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अनिरुद्ध दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।